आगे पुलिस चौकी है और एक बाइक पे 3 लोड। क्योंकि मंदिर को हर वो मंत्र से उच्चारण करके बनाया जाता है, या मंदिर में मूर्ति भी स्थापित विधि विधान के करके ही बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो मेरा कहना है कि जो लोग ये भ्रम में हैं कि भगवान हर जगह है, मंदिर जाके क्या, तो उनके लिए ये एग्जाम्पल था। ठीक है, मंदिर जाएं और पूजा करें भगवान की। ठीक है, क्या पता कोरोना फिर से आने वाला है, तो ऊपर वाले के अलावा और कोई है नहीं जो आपको बिना हेलमेट के। भैया तो साइड से, उधर से रास्ता है, साइड से आगे से रास्ता, आगे से जाके इधर घूम जाइएगा इधर। और एक भैया पकड़ा गए हैं। Hey guys, good evening, और एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं अभी जा रहा हूँ साइकिल बनवाने अपनी। ठीक है, 6 मंथ पहले ही मैंने परचेज किया था और वो तब से पड़ा हुआ है, 1-2 बार ही चलाया था। तो सोचा अब ठंड आ गई है तो थोड़ा सा वॉकिंग जॉगिंग तो कर नहीं पाते हैं तो साइकिलिंग कर लें, उस वजह से परचेज किया था। बट अभी जब मैं निकाल रहा था तो देखा कि वो हवा उसकी निकल गई है रखे रखे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये साइकिल है हमारी और यहाँ रखा हुआ। अब इसको मैं अभी निकालूंगा और ले जाऊंगा हवा डलवाने, देखता हूँ और क्या क्या खराबी है इसमें। ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने नया ही परचेज किया था, फिर भी देखते हैं क्योंकि अब तो रखे रखे हवा निकल ही गया। तो चलिए निकालते हैं इसको और चलते हैं मिस्त्री के पास, देखते हैं क्या खर्चा आता है ना। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और अब हम लोग चलते हैं साइकिल बनवाने। ओके, तो चलिए। और आप लोग देख सकते हैं ये रही मेरी साइकिल, है ना। अब मैंने शोरूम से इसे निकाल लिया है और अब ये इसमें हवा डलवाना होगा। हवा ही नहीं है, बाकी सब नया का नया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी पूजा करवाई थी, उसके बाद से ही एक बार ही चलाया और तब से ये ऐसे ही है रखा हुआ। और जब मैं आज इसे निकाला हूँ कि अब मैं इसे चलाऊँगा तो हवा ही नहीं था। कोई बात, चलते हैं देखते हैं क्या। और रखे रखे इसकी हवा निकल गई, कोई बात नहीं, चल के बनवाते हैं, है ना, देखते हैं कितना खर्चा आता है। आधा दूर पहुँच चुके हैं भाई साइकिल लेकर के, और आधा दूर बाकी है, साइकिल दुकान पर जाना है। ठीक है, ये साइकिल में हवा नहीं है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। मेरा कहना ये है ना कि रखे रखे जब साइकिल की हवा निकल सकती है, या किसी भी सामान की जो अगर बहुत दिन से पड़ा हुआ हो तो या तो उसमें जंग लग जाता है, या तो ख़राब हो जाता है, या हवा निकल जाता है। आज मैं साइकिल का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, साइकिल की हवा निकल गई, मैंने 6 महीने पहले ही परचेज किया था। तो चाहे वो इंसान हो चाहे वो सामान हो, अगर वो घर में पड़ा हुआ है या कहीं भी पड़ा हुआ है तो उसकी हवा निकल जाती है यार। मेहनत करना, मेहनत करके जो करना हो कर सकते हो आप लोग, है ना। तो बने रहे मेरी वीडियो में, और भी अभी अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं साइकिल दुकान, अभी आधा दूर और है, बाकी है। साइकिल है, ढकेल के ले जा रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, इसका मतलब कि मैं थक चुका हूँ, है ना। तो एक्सरसाइज नहीं करने से यही होता है, एक्सरसाइज और साइकिलिंग, इसलिए मैंने साइकिल परचेज किया था कि साइकिलिंग करना है। तो अभी और थोड़ा दूर है, बस जा ही रहे रास्ते में। आगे पुलिस चौकी है और एक बाइक पे 3 लोड, पहले उतर गए एक और एक धरा गया। अब मैं अपनी साइकिल लेके जा रहा हूँ, बिना हेलमेट के। भैया तो साइड से, उधर से रास्ता है, साइड से आगे से रास्ता, आगे से जाके इधर घूम जाइएगा इधर। और एक भैया पकड़ा गया है और ये रिटर्न जा रहे हैं और इनको छोड़ दिया गया है ना। और थोड़ा दूर है,
बस पहुँचेंगे अब, और यहाँ चेकिंग लगा हुआ था है ना, फिर भी लोग नहीं समझते हैं कि उनको हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट आपके लिए ही बोला जाता है, लेकिन लोग डर से पहनते हैं, खुद के लिए नहीं पहनते। और मेरा सफ़र अभी थोड़ा लंबा है तो चल ही रहा है, और मेरा सफ़र थोड़ा लंबा है तो कोई बात नहीं, चल रहा है, पहुँच ही जाएंगे है ना, ज़्यादा दूर नहीं बचा है, कुछ और दूर है, थोड़ा दूर है, तो चलिए चलते हैं और बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और मैं आ चुका हूँ साइकिल शॉप पर, भैया हवा भर रहे हैं, देखते हैं हवा भरने से काम चलता है या नहीं चलता है ना। एकदम ठंडा में पसीना आ गया, बहुत मज़ा आया वॉकिंग करने में साइकिल लेके, तो देर लगता है, हवा भरने से काम हो जाएगा, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। अभी मैं साइकिलिंग भी करूँगा, और अभी वहाँ पे पुलिस चेकिंग लगा हुआ था, कुछ लोग बिना हेलमेट के जा रहे थे, तो मैंने उनको रास्ता बता दिया कि साइड से चल जाओ। तो आप लोग भी जब घर से निकले तो हेलमेट पहन के निकले है ना, क्योंकि हेलमेट हम लोगों के लिए होता है, ना कि पुलिस के लिए। पुलिस का अपना काम है कि आपका सुरक्षा करे, तो उसके लिए आपको खुद जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बोला जाता है। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। और गाइज मेरी साइकिल में हवा भरा गई है, बस हवा ही कमी थी, और अब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते है ना, बहुत मज़ा आ रहा है साइकिलिंग करने में। आफ्टर 6 मंथ जब मैं साइकिल खरीदा था, उसके बाद ये दूसरी बार है कि मैं साइकिल निकाल के चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और मुझे जाना है उधर है ना, उधर मेरा घर है, हम लोग अब उधर जाएंगे। फाइनली मैं अपने मोहल्ले में पहुंच गया हूँ, और ये मेरे पीछे मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर, और के मोहल्ले भाई लोग साइकिल चला रहे मेरे मजा कर रहे हैं हम लोग है ना। हाँ संडे है तो थोड़ा एंजॉय करना बनता है, तो आप लोग अभी बने रहे, बस थोड़ी देर में घर पहुंचेंगे गाइस। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने घर के पास, ठीक है, मेरे घर बगल में है, और ये भोलेनाथ के मंदिर है, जहाँ पर हम डेली आते हैं पूजा करने के लिए, और अपनी पावरफुल हवा एकदम टनाटन चल भी रही है मस्त है ना। हो मेरा कहना ये है ना कि इसकी हवा निकल गई थी, और एक छोटा सा ज्ञान है उन लोगों के लिए जो कहते हैं हर जगह भगवान है तो फिर मंदिर क्यों जाना है ना, तो उनके लिए एक छोटा सा ज्ञान, मेरी साइकिल की हवा निकल गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने साइकिल बाहर ला के खड़ा कर दिया, हवा तो हर जगह है, हवा भी हर जगह, तभी हम लोग सांस ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन है, हवा है तभी हम लोग जिंदा हैं। तो यार मैंने देखा कि मेरी साइकिल में हवा भरी नहीं, क्योंकि हवा तो हर जगह है, तो साइकिल में हवा भर जानी चाहिए, उसके लिए मुझे शॉप पे ले जाने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन फिर भी मुझे शॉप पे ले जाना पड़ा ना, क्योंकि इसमें ऐसे हवा भरेगा नहीं। उसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन मंदिर जाना ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर को हर वो मंत्र से उच्चारण करके बनाया जाता है, या मंदिर में मूर्ति भी स्थापित विधि विधान के करके ही बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो मेरा कहना है कि जो लोग ये भ्रम में हैं कि भगवान हर जगह है, मंदिर जाके क्या, तो उनके लिए ये एग्जाम्पल था, ठीक है, मंदिर जाएं और पूजा करें भगवान की, ठीक है, क्या पता कोरोना फिर से आने वाला है, तो ऊपर वाले के अलावा और कोई है नहीं जो आपको इस महामारी से बचा सके है ना। तो इसी के साथ अब मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल, इसके लिए अभी बाय बाय। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, थैंक यू।